गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ इट इज योर नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वी आर गोइंग थ्रू इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लेक्चर वन इट इज राइट हियर वी आर गोइंग। वी नो मैनी टाइप ऑफ सॉल्ट। अगर मैं आपसे पूछूं, जस्ट मेंशन व्हाट यू नो अबाउट सॉल्ट, आप सॉल्ट के बारे में क्या जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट आर सॉल्ट, व्हाट आर सॉल्ट्स? जनरली दोज कंसिस्ट एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल आर नोन एज सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, वी नो मैनी टाइप ऑफ सॉल्ट, बट हेयर समथिंग न्यू फॉर यू, मॉलिकुलर सॉल्ट। फर्स्ट इज मॉलिकुलर सॉल्ट, राइट? व्हाट आर मॉलिकुलर सॉल्ट्स? एक्चुअली समटाइम्स व्हेन वी मिक्स मोर देन वन सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोर देन वन सॉल्ट हैज बीन मिक्स्ड एंड देन आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन, ऑन क्रिस्टलाइजेशन वी वुड गेट अ न्यू टाइप ऑफ सॉल्ट। सच सॉल्ट्स आर नोन एज मॉलिकुलर सॉल्ट। इट मीन्स we took salt 1, aqueous solution of salt 1, aqueous solution of salt 2 mixed together, and after on crystallization we would get a new type of salt that is called molecular salt. kabhi kabhi hame lagega humne mixed salt bhi keh sakte hain, but nahi, the correct term for those salts, these salts is molecular salt. these salts classified into two types. One is called double salt. And another is called complex salt or coordination compound, we can say. So coordination salt also. What would happen in double salt? In double salt, constituent salt, salt 1, salt 2, as I mentioned, constituent salt retain their properties इन सॉल्यूशन। अगर हम डबल सॉल्ट को वाटर में डालें तो उस कंडीशन में डबल सॉल्ट अब में जो कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट है वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं और कोई नया आयन नहीं बनता। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट मे और मे नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। हो भी सकता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करें और ये भी हो सकता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन ना करें, बट एक नया आयन जरूर बनेगा और उस आयन को ही हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। अगर हम दोनों के एग्जांपल देखें तो डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल है, दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट, और मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, दैट इज पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, राइट? थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जरूर इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, हम उस पर बात करते हैं। क्या होता है चलिए देखते हैं। जैसे मैंने फेरस अमोनियम सल्फेट लिया, FeSO4.NH4 whole twice SO4.7H2, राइट? और अब मैंने इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर में डाल दिया, तो वाटर में डालने पर क्या होगा? Fe2+ मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा? SO4 2- मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा? NH4+ मिल जाएगा, और साथ में H2O तो मिलता ही है। और ये सॉल्ट बना किससे होगा? ये सॉल्ट दो डिफरेंट सॉल्ट यानी FeSO4+NH4 whole twice SO4 को मिलाने से बना होगा। इज इट क्लियर? तो अगर हम यहाँ देखें, अगर हमने FeSO4 और NH4 के होल ट्वाइस को भी सॉल्यूशन में डाला होता तब भी हमें Fe2+ मिलता, अलग अलग भी सॉल्यूशन में डालते तब भी हमें Fe2+ मिलता, NH4+ मिलता और SO4 2- मिलता। यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो मॉलिकुलर सॉल्ट की तरह हो, चाहे वो इंडिविजुअल सॉल्ट्स की तरह हो। यानी डबल सॉल्ट हम उसे कह सकते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट अपनी प्रॉपर्टीज एज इट इज रख रहे हैं और कोई भी नया आयन नहीं बन रहा है।
Now let me discuss about K4 Fe-Cn6. K4 Fe-Cn6 की अगर हम बात करेंगे तो K4 Fe-Cn6 में क्या होगा? K4 Fe-Cn6 को जब हम वाटर में डालते हैं तो इट माइट पॉसिबल कि आपको K+ मिले, इट माइट पॉसिबल कि आपको थोड़ा बहुत CnIns भी मिले, लेकिन एक बात तय है कि आपको Fe-Cn का होल 6 2 माइनस जरूर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यानी ये आयन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है, बाकी मिले ना मिले। K+ भी डेफिनेटली मिलेगा, साइनाइड मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, इसीलिए दोनों पॉसिबिलिटी साइनाइड के केस में हो सकती है, क्योंकि मे और मे नॉट पॉसिबल, क्योंकि और ऐसी कंडीशन में जब साइनाइड मिलता है तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट कॉम्प्लेक्स, और जब साइनाइड नहीं मिलता है तब ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं कंप्लीट कॉम्प्लेक्स। तो उन्हें भी कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और ये दोनों बने किससे होंगे, अगर मैं उस पॉइंट पर आ जाऊँ तो इस इनको मिल KCN और FeSO4 को मिलाने से बन सकते हैं, बराबर। तो क्या होगा, KCN और FeSO4 को मिलाते हैं तो ये बन जाता है K4 FeCN का होल 6, और K2SO4 अलग हो सकता है, जिन्हें अलग अलग क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, ये अलग अलग एक साथ नहीं मिलते, बराबर। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन मिल गया। कई बार ये बन भी सकता है, कई बार ऐसा साइड प्रोडक्ट नहीं भी बनेगा, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो मतलब है कंपाउंड जिसमें अगर हम देखें तो इंडिविजुअली, अब KCN और FeSO4 की अगर हम बात करें तो KCN K+ CN- Fe2+ SO4 2-, ये सब मिलेंगे। तो K+ और SO4 2-, मान लीजिए सॉल्यूशन में ये है भी, तब भी K+ और SO4 2- मिल जाएंगे। साइनाइड आयन भी यहाँ मिलता है, लेकिन वहाँ मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो पॉसिबल भी है कि मिले, लेकिन एक नया आयन आपको जरूर देखने को मिल रहा है, एंड दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स आयन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। आई थिंक आपको बहुत बढ़िया क्लियर हो गया होगा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और क्यों हमें उस तरीके से कंसिडर किए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो जैसे मैंने इसमें मेंशन किया है वो आप देख ही पा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी K4 Fe-Cn6 की अगर हम बात करें तो Fe-Cn6 2- विल बी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, राइट। Fe2+ जो अंदर होगा 4-, इट मस्ट बी 4-, तो अगर हम इट मस्ट बी 4-, राइट। यहाँ कुछ इशू है, कोई इशू नहीं, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, 4- होगा। क्या होगा यहाँ पर, जब आप इसे बड़े कॉलम के अंदर रखेंगे तो इसके बाहर क्या कॉलम क्या आएगा, 4- आएगा, ठीक है, और ये 4- रहेगा। यानी इसकी अगर अपन बात करते हैं, इस स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करते हैं तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, वो भी यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 4-, बराबर, राइट। सो इट इज़ 4-, राइट, ओके। सो इट इज़ 4-, ओके। तो सेंट्रल एटम कौन होगा, Fe2+ विल बी सेंट्रल एटम। लिगेंड्स क्या होते हैं, तो लिगेंड्स ऐसे आयन या मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिगेंड्स ऐसे आयन या मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस चीज को समझिएगा, लिगेंड्स ऐसे आयन या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम आयन को दे सकते हैं, या सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम बात करें हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K4 Fe-Cn6 है, उसमें साइनाइड जो है वो एक लिगेंड की तरह है, CN1-, वो एक लिगेंड की तरह एक्ट करता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के चारों तरफ कॉम्प्लेक्स आयन है, जो बड़ा ब्रैकेट है इसके चारों तरफ का जो भी होता है वो आयनाइजेशन स्फीयर होता है, और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर यानी Fe-Cn6 का जो ज्योमेट्री होता है उसे कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा कहते हैं।
अगर मैं इसको इंडिविजुअली आपसे शेयर करूं, चलिए मैं इसको आपसे शेयर करता हूं, तो चलिए यहां शेयर करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो यहां अगर हम देखें जैसे मान लीजिए हमारे कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, इसकी बात करते हैं तो ये पार्ट इसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी, राइट। सेंट्रल एटम या आयन Fe कहलाएगा जो इसके अंदर है, ये लिगेंड होगा और ये जो K4 है आगे या यहां कुछ हो सकता है वो आयोनाइजेशन स्फीयर होगा, राइट। जैसे मैं एक और कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, CrNH3O6 और यहां ले लेते हैं हम SO4। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है ये आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है, ये आपका लिगेंड है और ये आयोनाइजेशन स्फीयर, राइट। समझ पा रहे हैं क्या? राइट, तो ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। सो इस तरीके से और भी कई कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स, तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये जो ब्रैकेट है, ये सब पूजा करने वाले लोग ज्यादा आ जाते हैं, चलिए कोशिश करता हूं। थोड़ी आवाज कम आएगी। एनीवेज, तो हमें क्लियर हुआ कि क्रोमियम इज अ सेंट्रल मेटल आयन, NH3 विल बी अ लिगेंड, CrNH3O6 इज कंसीडर्ड एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड SO4 जो है वो आयोनाइजेशन स्फीयर, यानी इस बड़े ब्रैकेट के आगे या पीछे जो भी है वो आयोनाइजेशन स्फीयर हो जाएगा। और जो CrNH3O6 से FeCN6O6 की अगर मैं बात करूं तो इनके स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे मैं 1 CN, 2 CN, 3 CN, सब अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, CN, एक और CN और एक और CN, और ये मैं बॉन्डिंग में आपसे शेयर करूंगा, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है और इस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये चीज। चलिए अब हम आगे आते हैं, तो ये पार्ट्स की बात हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है लिगेंड्स। इस पूरे पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है लिगेंड। सो लिगेंड्स को 3 बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। पहले लिगेंड्स कहलाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी इट मीन्स नंबर ऑफ साइट्स लिगेंड हैव टू फॉर्म बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स हैव टू शेयर विथ सेंट्रल मेटल आयन, राइट। नंबर ऑफ साइट्स थ्रू विच लिगेंड्स कैन फॉर्म बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोज इट कैन शेयर विथ सेंट्रल मेटल आयन इज कंसीडर्ड एज डेंटिसिटी। मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड इट मीन्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज विच इट कैन शेयर। बाइडेंटेड इट मीन्स टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैव और टू बाइंडिंग साइड इट हैव, लाइक NH2CH2CH2NH2, इसमें दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। C2O42- की बात करें तो CO-CO-, दो ऑक्सीजन होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। जैसे C2O4 की बात में अगर करता हूं तो C2O4 कैसा हो जाएगा, C2O4 में अगर हम देखें C डबल बॉन्ड O, O माइनस, C
डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, और ये दोनों ही सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं अगर Fe2+ के फॉर्म में है तो। तो ये भी एक एक्ट कर सकता है, राइट। तो C2O4 हो गया, NH2 तो हमें दिखाई दे रहा है। पॉलीडेंटेट क्या होते हैं? पॉलीडेंटेट जिसमें दो से ज्यादा बॉन्डिंग साइट्स होती है, जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, डायथाइलिन ट्रायमाइन ट्राइडेंटेट है 3NH, टेट्राडेंटेट ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन, और नीचे वाला तो हेक्साडेंटेट है, यू कैन सी 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 2 4, ये ऑक्सीजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देते, हेक्साडेंटेट हो जाता है, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड इजीली इट इज। कुछ और भी है, डायमिथाइल ग्लायोक्सिम। डायमिथाइल ग्लायोक्सिम कैसा होता है भाई? डायमिथाइल ग्लायोक्सिम बायडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा होता है भाई? तो CH3 C डबल बॉन्ड C, और यहाँ CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा N, और यहाँ पर हो जाएगा O और H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, राइट, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ हो जाएगा N और ये और OH, डायमिथाइल ग्लायोक्सिम। तो इसमें इसमें जो दो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर शेयर करते हैं, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड हो जाता है। जैसे कई और लिगेंड्स भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जिन पर भी लोन पेयर होता है वो तो लिगेंड की तरह होता ही है। लुइस बेस, एक तरीके से लुइस बेस जो हो सकते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कंसीडर किए जा सकते हैं। क्या कंसीडर किए जा सकते हैं? लिगेंड की तरह। इसी तरह से सेंट्रल मेटल आयन जो है वो लुइस एसिड की तरह एक्ट करता है। लुइस बेस क्या होता है? दोस कैन शेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लुइस बेस क्या होता है? लुइस एसिड क्या होता है? दोस कैन टेक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये उसी तरह से बिहेव करते हैं। ओके नाउ, सो दीज आर सम लिगेंड्स, और कुछ मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी आपके सामने जहां पर भी लोन पेयर हो वो लिगेंड्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं बैक टू अदर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, जैसे क्लोराइड, क्लोराइडो हम कहते हैं, वाटर नेगेटिवली चार्ज, ज़्यादातर नेगेटिवली चार्ज मिलते हैं या न्यूट्रल मिलते हैं, दिस इज ऑक्सीलेटो। नेमिंग के बारे में मैं आपसे बात जरूर करूँगा, कब करूँगा? जब मैं नॉमेनक्लेचर पे आऊँ। तो नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स हो सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कम ही देखने को मिलता है लेकिन होते जरूर हैं, राइट। और थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। क्लासिकल लिगेंड्स में क्या होता है, इस चीज को थोड़ा समझिए, मैं और डिस्क्राइब भी करूंगा, लेकिन क्लासिकल और नॉन क्लासिकल को मैं यहां जरूर बताना जरूर चाहूंगा। क्लासिकल लिगेंड्स में क्या होता है, आज अगर आवाज नहीं आ रही होती तो मैं जरूर और डिस्कशन करता, वैसे बाद में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो क्लासिकल और नॉन क्लासिकल में फर्क क्या होता है? मुझे ऐसी पूजा ज़्यादा पसंद नहीं है। अरे भाई, स्पीकर सुनना है तो खुद सुनो, दूसरे को क्यों सुना रहे हो? एनीवेज, क्लासिकल में क्या होता है, जैसे Fe मैंने अभी आपसे शेयर किया, Fe हो गया और NH3 हो गया, NH3 ने अपने लोन पेयर Fe को दे दिए, इट इज क्लासिकल लिगेंड, राइट। ये कैसी कंडीशन हो गई? क्लासिकल लिगेंड की कंडीशन। अब मैं आता हूँ नॉन क्लासिकल कंडीशन, FO, ये C, और इसके तीन बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन के साथ, और इस कंडीशन में CO का अगर हम बनाएं तो 8 और 6 14 होता है, यानी नाइट्रोजन जैसा, यानी इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कार्बन के पास जो लोन पेयर होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये लोन पेयर आयरन को देता है। ये तो क्लासिकल वाली कंडीशन हो गई, लेकिन आयरन के चारों तरफ या सेंट्रल मेटल आयन जो भी है उसके चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जहां तक ऑक्टाहेड्रल, तो 6 FeCN6 FeCO6 6 6 ऑर्बिटल्स 6 6 लिगेंड जुड़े होते हैं। सो इट दे हैव वेरी हाई नंबर, वेरी समटाइम्स सेंट्रल मेटल आयन गॉट वेरी हाई चार्ज डेंसिटी, एंड इन दैट केस इट try to shift its charge density toward antibonding orbitals of ligands. In that case, it form back bond
विद एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. एंड दिस बैकबॉन्ड फाउंड इन नॉन क्लासिकल लिगेंड्स या फॉर्मड इन नॉन क्लासिकल लिगेंड्स. जितना कम चार्ज होगा सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर उतना ज्यादा ये जो बैकबॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, यानी बैकबॉन्डिंग स्ट्रांग होगी. एक क्वेश्चन आता है बार बार कि जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है कब डिक्रीज होगा. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ये बॉन्ड बनते बैक बॉन्ड बनते जाएगा, यहाँ डबल इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी आती जाएगी और उस कंडीशन में यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आते जाएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर कम होते जाएगा. तो सीधी सी बात है, सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना कम चार्ज होगा उतना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी और बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी कम बैक बॉन्डिंग होगी क्योंकि उसके पास जगह है इलेक्ट्रॉन रखने के लिए और बॉन्ड ऑर्डर ये ज़्यादा होगा. ध्यान रखिएगा इस चीज़ को. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जिस पर बात होती है, हाई सेंट्रल एटम के ऊपर हाई चार्ज तो लो बैक बॉन्डिंग एंड मोर बॉन्ड ऑर्डर, मोर बॉन्ड ऑर्डर राइट. और लो चार्ज, अगर चार्ज कम होगा सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल एटम राइट. तो लो चार्ज, अगर चार्ज कम होगा तब क्या होगा, चार्ज कम होगा तो हाई बैक बॉन्डिंग होगी, हाई बैक बॉन्डिंग होगी और हाई बैक बॉन्डिंग होगी तो लेस बॉन्ड ऑर्डर होगा. ध्यान रखिएगा, इसी पर क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में राइट. तो शायद आपको समझ में आएगा क्लासिकल और नॉन क्लासिकल. तो फर्स्ट केस विद एन एच थ्री इट इज क्लासिकल एंड सेकेंड केस विद CO इट इज नॉन क्लासिकल राइट. सम अदर काइंड वी ऑलरेडी डिस्कस. कुछ और लिगेंड्स होते हैं जिनके बाद में बात की जाती है, कीलेट लिगेंड. एक्चुअली जो डाई या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, बेसिकली ट्राई से मैं कंसिडर करता हूँ लेकिन डाई से भी कह सकते हैं, दोज कैन बाइंड सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम एट मोर देन वन प्लेसेस. जो सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम को एक से ज़्यादा जगह पर जोड़ते हैं वो लिगेंड्स चीलेट लिगेंड्स कहलाते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चीलेशन करते हैं, चारों तरफ से उसे कवर करने की कोशिश करते हैं, चीलेट बनाने की कोशिश करते हैं राइट. सो इसीलिए वो चीलेट लिगेंड्स कहलाते हैं. और जिन चीलेट लिगेंड नॉर्मली जनरल स्टेटमेंट इज दिस, चीलेट लिगेंड्स का जो स्टेबिलिटी होती है नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस से ज़्यादा होती है एक्सेप्ट फॉर दोज लिगेंड्स इन विच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर इज कार्बन एटम. ऐसे लिगेंड्स जिनमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर कार्बन एटम्स होता है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं आपको उनकी स्टेबिलिटी की बात कर बताऊंगा, लेकिन बाकी केसेस में चीलेट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली बेहतर होती है. मैं जरूर उस पर बात करूंगा, यहाँ पर मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन जनरली अपन ये मान के चल सकते हैं, वी कैन नॉर्मली अज्यूम दैट चीलेट लिगेंड्स कॉम्प्लेक्सेस हैविंग चीलेट लिगेंड्स आर मोर स्टेबल. नाउ नेक्स्ट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड. अब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक दो एटम्स होते हैं, दोस कैन गिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट एट अ टाइम ओनली वन कैन गिव. टू एटम्स आर देयर, दोस कैन गिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट एट अ टाइम ओनली वन एटम विल गिव इलेक्ट्रॉन पेयर. जैसे आप देख सकते हैं नाइट्राइटो एन नाइट्राइटो ओ, जनरली फर्स्ट वाले को नाइट्रो कहते हैं और दूसरे वाले को नाइट्राइट कहते हैं, नाइट्राइटो कहते हैं, लेकिन अगर आप नाइट्राइटो ही लिखना चाहते हैं तो नाइट्राइटो एन नाइट्राइटो ओ लिख सकते हैं. थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो, तो इनमें दो एटम्स होते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं बट एक बार में एक ही देता है. इसी तरह से एक और होता है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन अ बुक, दैट इज फ्लैक्सीडेंटेट. फ्लैक्सीडेंटेट का मतलब होता है दोस कैन गिव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, दोस कैन गिव वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम बट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो एक बार में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं बट डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, उसी के बेसिस पर डिसाइड होता है. जनरली कार्बोनेट सल्फेट ये ऐसे लिगेंड्स में आते हैं जो फ्लैक्सीडेंटेड होते हैं राइट. सो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेयर, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. It is defined as the number of binding sites on the central atom or ion, or we can say
It is defined the number of ligand donor atoms to which the metal is directly bonded. It is definition. Second one is definition from your book. But मैं समझता हूँ कि simply we can say the number of binding sites or lone pair of electrons donated by a ligand to the central metal ion. दोनों ही कह सकते हैं. तो उसे बेहतर कह सकते हैं number of monodentate ligands is equal to coordination number or density into number of ligands. Density means monodentate, didentate, tridentate. Monodentate तो density 1, bidentate तो density 2, tridentate तो density 3, right? K4FeCl6 में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आप देखेंगे कि coordination number 6 है क्योंकि cyanide ion एक monodentate ligand है. FeC2O4 3- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सिलेट आयन बाइडेंटेड लिगेंड है. तो दो इट मस्ट बी डाउन यहाँ पर कितना होना चाहिए C2O4 का होल थ्राइस FeC2O4 का होल थ्राइस होना चाहिए राइट right? इसका एग्जांपल में क्या होना चाहिए Fe ये होना चाहिए यहाँ देखिए FeC2O4 होल थ्राइस ये होना चाहिए और ऐसा हो सकता है इसे बंद किया जा सकता है और के जो है उसी तरह से K4FeC2O4 होल थ्राइस इस तरीके से ये हो सकता है बराबर. तो इसमें देखें C2O4 बाइडेंटेट है तीन वो जो है वो नंबर है तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा बेटा ऑब्वियसली वो हो जाएगा कितना हो जाएगा ऑब्वियसली वो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर उसके अंदर हो जाएगा 6. तो कोई भी लिगेंड हो आप डेंटिसिटी के थ्रू उसे कर सकते हैं और उसमें आपका आंसर सही ही आएगा राइट right? सो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन फाइंड कर सकते हैं. मैं डेफिनेटली आपसे पूछूंगा एग्जाम्पल्स जिनमें आपको बताना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. ध्यान से देखिएगा नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेंटिसिटी. इट मस्ट बी डेंटिसिटी. इज इट ओके नाउ क्लियर हो गया ये चीज़ सबको. तो ये थोड़ा ध्यान रखिए ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे राइट. Thank you for today.